Hello my dear students, good morning to all. Today's date is 1st June 2020, subject science, class 5, book Galaxy, chapter 2. My dear students, in the last class we were reading about deficiency diseases. हम लोग पिछले क्लास में deficiency diseases के बारे में पढ़ रहे थे, right? तो आज हम पढ़ेंगे minerals की कमी से हमें क्या diseases हो सकता है, उसका symptoms क्या है और हमें क्या खाना चाहिए जिसके जो खाने से हमें शरीर में सही मात्रा में मिनरल्स मिल सकेगा, राइट? हम लोग पिछले क्लास में हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, डिफिशियंसी डिजीज, कैल्शियम का डिफिशियंसी से हमें क्या डिजीज हो सकता है? ब्रिटल बोन्स। इसका सिम्टम्स क्या है? बोन्स बिकम वीक एंड सॉफ्ट। बोन्स क्या हो सकते हैं? कमजोर और नाजुक। रिकमेंड फूड क्या है, क्या खाना चाहिए हमें? मिल्क, एग, फिश, मीट एंड लीफी वेजिटेबल्स। ये सब अगर आप खाएंगे तो आपका बोन्स क्या होगा? स्ट्रांग और हार्ड, ना कि वीक एंड सॉफ्ट। ठीक है, तो आप ब्रिटल बोन्स से भी बच सकते हैं। ओके, डिफिशियंसी ऑफ मिनरल आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या बीमारी हो सकती है? डिजीज गोइटर। और इसका सिम्टम क्या है? नेक गेट स्वॉलन, आपका जो गला है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है, राइट? इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड एंड वेजिटेबल। तो हमें आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, सी फूड और वेजिटेबल्स। ओके, और आयरन की डिफिशियंसी ऑफ मिनरल के आयरन, उसका डिफिशियंसी से हमें क्या हो सकता है? एनीमिया। उसका सिम्टम्स क्या है? पर्सन गेट्स टायर्ड वेरी इजिली एंड लुक पेल एंड अनहेल्दी। एनीमिया के कमी से हमें क्या हो जाएगा? हमारा शरीर वेरी टायर्ड, हमें हमेशा थकावट महसूस होगा और हमारा शरीर एकदम पतला और अनहेल्दी दिखेगा। तो इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? ग्रेप्स, डेट्स, बनाना, स्पिनच, जैगरी, मीट, ओके, लीवर पार्ट। तो हमें क्या खाना चाहिए? ग्रेप्स, डेट्स, ओके, बनाना, स्पिनच, जैगरी, मीट एंड लीवर पार्ट। अगर हम ये सब खाएंगे तो हमारा शरीर में आयरन की मात्रा बने रहेगी और हमें एनीमिया से हम बच सकते हैं, राइट? तो ये रहा आपका डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। हम लोग पिछले क्लास में डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के बारे में पढ़े थे, जैसे विटामिन ए नहीं खाने से हमें क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी के कमी से क्या होगा? बेरी बेरी। विटामिन सी के कमी से क्या होगा? स्कर्वी। विटामिन डी के कमी से क्या होगा? रिकेट्स, राइट? तो उसके बाद हम पढ़े आज मिनरल्स के बारे में। कैल्शियम नहीं खाने से क्या होगा? ब्रिटल बोन्स। और आयरन की कमी से गोइटर, और आयरन की कमी से एनीमिया। तो हम इसका सिम्टम्स भी पढ़े और हमें क्या खाना चाहिए जिसके वजह से हम ये सब की कमी को पूरा कर सके और हम हेल्दी और फिट रह सके, राइट? तो हम चाहते हैं आप ये सब जो फूड्स यहाँ रिकमेंड किया गया है आप वो खाइए और हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिशियंसी डिजीज कैनॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हमेशा याद रखिएगा, डिफिशियंसी डिजीज जो है वो एक पर्सन से दूसरा पर्सन कभी स्प्रेड नहीं होता है। ओके, देयरफॉर दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो डिफिशियंसी डिजीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये एक पर्सन से दूसरा पर्सन क्या है? फैलता नहीं है, ठीक है? ओके, इन फॉर्बिट में क्या है देखिए, लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन कैल्शियम एंड आयरन। लीफी वेजिटेबल्स क्या है? कैल्शियम और आयरन में बहुत ज्यादा मात्रा में लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। इफ यू एड अ डैश ऑफ लेमन्स, टमरिंड और टोमेटो, द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब आयरन बेटर। अगर हम कोई भी लीफी वेजिटेबल्स में नींबू या फिर टेमरइंड या फिर टोमेटो, अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अगर हम ऐड करते हैं तो क्या करता है? हमारे शरीर में जाके ज्यादा मात्रा में आयरन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो आप समझ गए होंगे, कभी भी अगर आपकी मम्मी लीफी वेजिटेबल्स पकाए तो आप जरूर बोलना उसमें लेमन या फिर टोमेटो या फिर टमरिंड ऐड करने के लिए, जिसकी वजह से आपका शरीर जब आप खाएंगे वो वेजिटेबल तो आपका शरीर में वो आयरन ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो हम चाहते हैं आप ये डिफिशियंसी डिजीज को अच्छी तरह से पढ़ें और विटामिन और मिनरल्स की कमी से क्या बीमारी हो सकती है, उसका सिम्टम्स क्या है और हमें क्या खाना चाहिए, यह आप अच्छी तरह से पढ़ के समझ लीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, डिफिशियंसी डिजीज जो है वो नॉन कम्युनिकेबल है, वो फैलता नहीं है किसी और को छूने से, वो उससे बीमारी अपने आप में रहता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिजीज कर्स्ड बाय जर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।